आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंक डिमोले आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 143A नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट परक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 143 का के बारे में, जो कि बताती है कि चेक बाउंस होने के बाद परिवादी कोर्ट में केस दायर करता है तो वह किस प्रकार केस दायर करते ही चेक की राशि की 20% राशि तुरंत प्राप्त कर सकता है। तो आइए पहले सेक्शन को अच्छे से समझते हैं, इसके बाद यह देखेंगे कि सेक्शन 143A NIA के तहत कोर्ट में जो एप्लीकेशन दी जाती है उसकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। धारा 143 का परक्राम्य विलेख अधिनियम। पहला, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 138 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय चेक के लेखीपाल को, लेखीपाल का मतलब होता है आरोपी जिसने चेक जारी किया था, और चेक दिया किसको था, परिवादी को जो कि पीड़ित व्यक्ति है, इसने बैंक में चेक लगाया, चेक बाउंस हो गया, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अधीन विचारण करने वाला न्यायालय अर्थात वह कोर्ट जो 138 के केस को देख रहा है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट, तो लेखीवाल को ऐसा आदेश करेगी कि वह परिवादी को अंतरिम प्रतिकर अर्थात शुरुआती वसूली राशि का संदाय करे, अर्थात लेखीवाल आरोपी परिवादी को शुरुआती वसूली राशि दे। और ये पैसे कब देगा, ये बताई गई हैं स्थितियां। पहली स्थिति कौन सी हो गई, संक्षिप्त विचारण या समन मामले में। संक्षिप्त विचारण अर्थात समरी ट्रायल और समन मामला। ये समन मामला क्या होता है, जिस अपराध में 2 वर्ष तक की सजा हो, 2 वर्ष से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ऐसा मामला समन मामला कहलाता है। चेक बाउंस 138 इसमें भी 2 साल तक की सजा है। 138 में क्या है, परिवाद दायर होता है, कंप्लेंट केस, इसमें FIR नहीं होती। परिवाद मतलब सीधा मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट दायर करना। तो 2 वर्ष से कम के अपराध इन्हीं का क्या है, संक्षिप्त विचारण किया जाता है। संक्षिप्त विचारण में CRPC की पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, वरना क्रिमिनल केस में क्या है, एक लंबी प्रक्रिया चलती है, लेकिन जो 2 वर्ष तक के या उससे कम सजा के अपराध होते हैं उनमें क्या है, संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल किया जाता है। CRPC दंड प्रक्रिया संहिता की पूरी प्रक्रिया ना अपनाकर इसकी कम प्रक्रिया अपनाई जाती है और केस को जल्दी खत्म किया जाता है। तो धारा 138 के अधीन जो परिवाद दायर किया गया है, ये लेखीवाल अर्थात आरोपी उस परिवाद का जो जवाब देता है उसमें यह मना कर देता है कि मैं दोषी नहीं हूं, ऐसा अभिभाग करता है अर्थात ऐसे लिखित बयान देता है अपने कि मैं दोषी नहीं हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। लिख के कहां देगा, भाई परिवादी ने जो परिवाद दायर किया है उसका ही ये जवाब देगा। जवाब कैसे देगा, लिखित रूप में देगा। परिवाद लिखित रूप में दायर किया गया है तो उसका जवाब भी लिखित रूप में होगा। तो यह मना कर देता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में ये आरोपी जो है ये परिवादी को अंतरिम प्रतिकर देगा, पैसे देगा। और दूसरी स्थिति क्या हो गई, अन्य किसी मामले में आरोप विरचित किए जाने पर। अन्य किसी मामले क्या हो गए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 को छोड़कर इसमें जितनी भी धाराएं दी गई हैं और यदि उनमें पैसे देने की स्थिति बन रही है तो वहां आरोपी परिवादी को कब पैसे देगा, जब धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को छोड़कर इसकी किसी अन्य धारा में केस चल रहा हो, किसी दूसरी धारा का केस हो, तो उसमें यह आरोपी परिवादी को पैसे कब देगा, जब उस केस में आरोप विरचित कर दिए गए हो अर्थात चार्ज फ्रेम कर दिया गया हो। चेक बाउंस के केस में क्या है, जब ये परिवाद का जवाब देता है उसके तुरंत बाद आप धारा 143 का आवेदन लगा सकते हैं, और 138 को छोड़कर किसी अन्य धारा के केस में जब चार्ज फ्रेम कर दिया हो। इस अन्य मामले में भी क्या है, परिवाद दायर किया जाएगा, उसका फिर जवाब दिया जाएगा, और परिवाद और उसके जवाब को पढ़कर आरोप विरचित किए जाएंगे अर्थात चार्ज फ्रेम किया जाएगा। चार्ज फ्रेम करना अर्थात किन धाराओं में केस बन रहा है और किन धाराओं में केस नहीं बन रहा है, किस धारा पर आरोपी के विरुद्ध केस चलाना चाहिए, इसे ही कहते हैं चार्ज फ्रेम करना। तो इन दोनों स्थितियों में कोर्ट लेखीवाल अर्थात आरोपी को यह आदेश देगी कि वह परिवादी को अंतरिम प्रतिकर शुरुआती वसूली राशि अर्थात पैसे दे। और जब कोर्ट ऐसा ऑर्डर करती है तो प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, CRPC की। परक्राम्य विलेख अधिनियम में अलग से कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई हो, क्योंकि 138 का केस क्या है, चेक बाउंस का आपराधिक केस है, 2 वर्ष तक की सजा है और चेक की राशि की 2 गुना राशि देने का प्रावधान है, तो प्रक्रिया अपनाई जाएगी CRPC की। और CRPC की कोई धारा इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 143 की कार्रवाई में कोई बाधा उत्पन्न करती है, जैसे जुर्माने का कोई अलग प्रावधान दिया गया हो CRPC में,
या कोई अलग शर्तें दी गई हों, तो उनमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोर्ट इस धारा 143 का की कार्रवाई कर सकेगी और उसमें आदेश पारित कर सकेगी। सीआरपीसी की कोई धारा इसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, ये कार्रवाई होके रहेगी। शाम दाम दंड भेद बाय हुक और बाय क्रुक, ये कार्रवाई तो होकर रहेगी। तो यही कह रहा है पहला सेक्शन कि 138 की कार्रवाई में कोर्ट लेखी बल अर्थात आरोपी को यह आदेश देगी कि परिवादी को अंतरिम प्रतिकर की राशि दे। सेकेंड, उपधारा 1 के अधीन अंतरिम प्रतिकर चेक की रकम के 20% से अधिक नहीं होगा। मतलब कि यदि कोर्ट ने धारा 1 के तहत चेक जारी करने वाले लेखीवाल को यह आदेश दे दिया है कि अंतरिम प्रतिकर मतलब कि अंतरिम वसूली राशि शुरुआती वसूली राशि परिवादी को दो, तो ऐसी राशि चेक जारी करने वाला अर्थात लेखीवाल परिवादी को देगा, लेकिन वो राशि चेक की रकम जो है उससे 20% से अधिक नहीं होगी। मान लीजिए ये लेखीवाल अर्थात चेक जारी करने वाले ने परिवादी को 1,00,000 का चेक दिया था, तो 1,00,000 के 20% कितने हो गए, 20,000 रुपये। तो इन 20% से अधिक राशि नहीं होगी जो अंतरिम प्रतिकर होगा, शुरुआती वसूली राशि जो होगी, क्योंकि केस तो चलेगा सालों साल। भाई जिसका नुकसान हुआ है परिवादी का, उसे कोई इंटरिम रिलीफ तो मिले, इसलिए अंतरिम प्रतिकर का नया सेक्शन 143A जोड़ा गया है। चेक बाउंस होते ही जैसे ही परिवाद दायर होता है तो जवाब आने के बाद या चार्ज फ्रेम होने के बाद आरोपी जो है वो परिवादी को चेक की राशि की 20% राशि देगा जब कोर्ट ऑर्डर कर देगी। थर्ड, अंतरिम प्रतिकर का उपधारा 1 के अधीन जारी आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर या चेक के लेखीवाल द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर 30 दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए संदाय किया जाएगा। मतलब कि ये उपधारा 1 के अधीन यदि कोर्ट आरोपी अर्थात लेखीवाल को ऐसा आदेश दे देती है कि वह परिवादी को 20% राशि अदा करे, तो आरोपी जो है लेखीवाल जिसने चेक जारी किया है, तो कोर्ट जिस दिन ऐसा आदेश जारी करेगी उस आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर आरोपी परिवादी को 20% राशि चेक की अदा करेगा, और यदि 60 दिन के अंदर नहीं कर पाता है तो चेक के लेखीवाल अर्थात आरोपी जिसने चेक जारी किया है वह कोर्ट को पर्याप्त कारण दिखा दे कि अभी फसल नहीं कट पाई है मेरी, या मेरा माल नहीं बिका है, मेरी सैलरी नहीं आई है, थोड़े दिन का टाइम और दे दिया जाए मुझे, तो ऐसी स्थिति में 30 दिन से अनधिक मतलब कोर्ट 30 दिन का टाइम और दे देगी उसे, तो 60 दिन प्लस 30 दिन टोटल हो गए 90 दिन। तो 90 दिनों के भीतर जैसा भी न्यायालय आदेश करता है 60 दिन का प्लस 30 दिन का, जैसा भी कोर्ट निर्देश अर्थात ऑर्डर देती है संदाय किया जाएगा, अर्थात आरोपी परिवादी को ऐसी राशि 20% संदाय करेगा। फोर्थ, यदि चेक के लेखीवाल को दोष मुक्त कर दिया जाता है तो न्यायालय परिवादी को प्रतिकर की अंतरिम रकम लेखीवाल को आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर 30 दिन से अधिक की ऐसी और अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित बैंक दर से ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने का निर्देश देगा। मतलब कि सबसेक्शन 1 में कोर्ट ने आरोपी अर्थात लेखीवाल को यह आदेश कर दिया कि परिवादी को अंतरिम प्रतिकर की राशि दो, राशि कितनी होगी सेकंड में 20% तक की, थर्ड में टाइम दे दिया कि 60 दिन के अंदर आदेश दिनांक से, यदि और समय चाहिए तो 30 दिन और हो जाएंगे, इससे अधिक नहीं हो पाएंगे 20% राशि देने के। अब फोर्थ में कोर्ट क्या कह रही है कि लेखीवाल अर्थात आरोपी जिसने चेक जारी किया है उसे दोष मुक्त कर दिया जाता है, मतलब कि चेक बाउंस का अपराध सिद्ध नहीं हो पाता, झूठा केस था या परिवादी ने फर्जी साइन करके आरोपी के खुद ही ने चेक लगा दिया था बैंक में, ऐसा कुछ सिद्ध हो जाता है और वहां पे लेखीवाल अर्थात आरोपी को दोष मुक्त कर दिया जाता है, तो कोर्ट ऐसा आदेश करेगी कि परिवादी को आरोपी ने ऊपर वाले सेक्शन में जो 20% राशि दी थी चेक की, परिवादी वो राशि आरोपी को वापस कर दे 60 दिन के अंदर। 60 दिन के अंदर नहीं कर पा रहा है तो वैसे ही जैसे आरोपी ने ऊपर रीजन बताए थे सैलरी नहीं आई या कोई अन्य रीजन, फसल नहीं बिकी है, तो वहां पे कोर्ट 30 दिन का समय और दे देगी कि आरोपी ने परिवादी को जो राशि दी थी परिवादी उस राशि को वापस करे आरोपी को, क्योंकि अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, और ऐसी राशि पर सुसंगत वित्तीय वर्ष मतलब जो फाइनेंशियल ईयर में जो बैंक द्वारा ब्याज का परसेंटेज चल रहा था उस परसेंटेज पर वापस करे। मतलब 1,00,000 का चेक है, आरोपी ने स्टार्टिंग में 20,000 रुपये परिवादी को दिए, अब परिवादी जो 20,000 रुपये वापस करेगा तो वो 20% राशि जो वापस करेगा वो बैंक की ब्याज दर से करेगा कि अभी बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, उस इंटरेस्ट रेट पे ही वापस करेगा।
अब यहाँ पे ये पैसे ब्याज सहित लौटाने के लिए क्यों बोला है? वो इसलिए बोला है क्योंकि चेक बाउंस का अपराध तो सिद्ध नहीं हो पाया, मतलब कि आरोपी निर्दोष है। तो एक तो वो निर्दोष है, ऊपर से उसने 20% चेक की राशि और दे दी। अब वो 20% पैसे आरोपी यदि अपने बैंक अकाउंट में रखता तो उसे कितना ब्याज मिल जाता? इसीलिए परिवादी, तुम ब्याज सहित 20% पैसे आरोपी को वापस करो। इसीलिए यहाँ पे बैंक के इंटरेस्ट की बात की गई है। फिफ्थ, इस धारा के अधीन संदेह अंतरिम प्रतिकर इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा, मानो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 421 के अधीन कोई जुर्माना था। मतलब कि इस उपनियम 1 और 2 के तहत कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है 20% राशि देने का आरोपी को, कि आरोपी अर्थात लेखीवाल परिवादी को 20% चेक की राशि देगा। अब बाई चांस वो नहीं देता है या देने में देर करता है तो उपनियम 5 के तहत उस अंतरिम प्रतिकर को वसूलने के लिए कोर्ट सीआरपीसी की धारा 421 के तहत उस राशि को वसूल कर सकती है, 20% राशि को। प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाएगी? सीआरपीसी की धारा 421 की। अब 421 सीआरपीसी में क्या लिखा है शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि कोर्ट ने आरोपी या अभियुक्त के ऊपर जो जुर्माना लगाया है, यदि वो जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है तो उपनियम का के तहत कोर्ट कलेक्टर के माध्यम से वसूली वारंट जारी कर सकती है, उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकती है और उसकी संपत्ति का विक्रय कर सकती है। उपनियम खा में क्या बताया गया है कि कोर्ट कलेक्टर के माध्यम से वसूली वारंट जारी करेगी और कलेक्टर से पूछेगी कि बताओ इस व्यक्ति के पास कितनी चल और अचल संपत्ति है, इसका ब्यौरा दो और इसकी संपत्ति कुर्क कर लो। कलेक्टर को ऐसा वसूली वारंट कोर्ट जारी कर सकती है। तो यदि 20% राशि नहीं देता या व्यतिक्रम करता है देने में आरोपी, तो आरोपी की संपत्ति इस प्रकार कुर्क करके कलेक्टर के माध्यम से वह राशि वसूली जा सकती है। अच्छा, ये तो आरोपी के ऊपर हो गया कि वो 20% राशि परिवादी को नहीं देता है तो इस प्रकार 421 के तहत कलेक्टर के माध्यम से वो राशि वसूली जाए। लेकिन ये बात परिवादी के ऊपर भी लागू होती है। यदि आरोपी को दोष मुक्त कर दिया जाता है और जो 20% राशि आरोपी ने दी थी परिवादी को, अब परिवादी वो राशि नहीं लौटाता है यदि आरोपी को दोष मुक्त कर दिया जाता है उस स्थिति में, और ये परिवादी राशि वापस नहीं करता है ब्याज की दर से, तो यही बात परिवादी के ऊपर भी लागू होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि परिवादी नहीं देता है तो यही कार्यवाही परिवादी के ऊपर लागू होगी, कलेक्टर के माध्यम से इसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिए जाएंगे। यही कह रहा है सबसेक्शन 5। उपनियम 6, धारा 138 के अधीन अधिरोपित जुर्माने की रकम यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर की रकम में से इस धारा के अधीन अंतरिम प्रतिकर के रूप में संदत्त या वसूल की गई रकम घटा दी जाएगी। मतलब कि धारा 138 के अधीन यदि अंतरिम प्रतिकर अर्थात 20% राशि के ऑर्डर कर दिए गए हैं, मान लीजिए 1,00,000 रुपए का चेक था, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए कि आरोपी परिवादी को 20% राशि अर्थात 20,000 रुपए देगा, आरोपी वो राशि परिवादी को दे देता है अंतरिम प्रतिकर की, तो जब उस 1,00,000 रुपए के चेक का निर्णय किया जाएगा, चेक था 1,00,000 रुपए का, 20,000 रुपए आरोपी दे चुका है अंतरिम प्रतिकर, तो जब निर्णय दिया जाएगा इस केस में, जैसे निर्णय आया कि आरोपी को दोषी पाया जाता है और 1,00,000 रुपए या दुगनी रकम 2,00,000 रुपए जैसा भी कोर्ट ऑर्डर करती है आरोपी परिवादी को देगा। ये हो गया निर्णय। अब एक लाइन और क्या लिखी रहेगी निर्णय में नीचे, कि चूंकि पूर्व में परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत 143 का में पारित आदेश के अनुसार आरोपी पूर्व में चेक की राशि की 20% राशि परिवादी को पूर्व में दे चुका है, इसलिए उस राशि का समायोजन करके 1,00,000 रुपए में से 20,000 रुपए घटा दिए जाते हैं और उक्तानुसार देय राशि होगी 80,000 रुपए या 1,80,000 रुपए यदि दोगुनी राशि का जुर्माना लगाया गया है तो 1,00,000 रुपए में से वो 20,000 रुपए घटा दिए जाएंगे। सीआरपीसी की धारा 357 में भी यही बताया गया है कि यदि अभियुक्त के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है तो उस जुर्माने की राशि का क्या किया जाएगा, अभियोजन के पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा या केस की कार्रवाइयों में खर्च करने के लिए दिया जाएगा या पीड़ित पक्ष फरियादी पक्ष को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। यही बातें 357 में लिखी हुई हैं कि आरोपी जो जुर्माना देगा उस राशि का क्या किया जाएगा। तो ये रही धारा 143 का परक्राम्य विलेख अधिनियम की। अब इसके तहत 20% राशि प्राप्त करने के लिए चेक की राशि जैसे मान लीजिए 1,00,000 रुपए है और आपको इंटरिम रिलीफ चाहिए, भाई केस लगाया, केस तो सालों साल चलेगा, थोड़े बहुत पैसे तो मिले कम से कम, वकील की फीस ही निकल आए, तो 20% राशि प्राप्त करने के लिए आप कोर्ट में देंगे एक आवेदन, आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 143 का परक्राम्य विलेख अधिनियम। तो आइए देखते हैं आवेदन की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चेक बाउंस का केस क्रिमिनल नेचर का होता है, 2 साल तक की सजा है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हमने चेक बाउंस की प्रोसेस पे ये वीडियो बनाया था,
इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि आप नोटिस कैसे देंगे, परिवाद कैसे दायर करेंगे, प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी। इस वीडियो में हर एक चीज बताई गई है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो पे लोग कमेंट कर रहे थे कि चेक बाउंस का केस क्रिमिनल नेचर का नहीं होता। तो भैया आपको भरोसा ना हो तो आप अपने वकील से बात कर लीजिए, किसी एडवोकेट से, किसी लॉ स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि क्रिमिनल नेचर का होता है कि नहीं होता है। क्रिमिनल नेचर का होता है भैया, 2 साल तक की सजा है। भरोसा ना हो तो एक्ट पढ़ कर देख लें, गूगल पर सर्च कर लें। यहाँ पर भी इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता मेंशन किया है, क्योंकि क्रिमिनल केस है तो प्रोसेस क्या होगी, सीआरपीसी की होगी, यदि नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं दी गई है तो। तो जिन लोगों को भी डाउट है फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि चेक बाउंस का केस क्रिमिनल नेचर का होता है। चलिए आइए ड्राफ्टिंग देखते हैं अब इसकी। सबसे पहले कोर्ट का नाम, न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी महोदय, अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा, पार्टीज का नाम, फिर चेक बाउंस का केस नंबर, पेशी कब लगी है, फिर आता है आवेदन का टाइटल, आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 143 का परक्राम्य विलेख अधिनियम, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। परिवादी की ओर से विनय या निम्न निवेदन है, यह कि परिवादी द्वारा आरोपी के विरुद्ध एक परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पहले पॉइंट में यह बताएंगे कि केस नंबर यह या पार्टीज हैं। परिवादी ने क्या है, चेक बाउंस का केस 138 का केस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। यह कि उक्त प्रकरण में परिवाद पत्र दिनांक 12/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आरोपी अर्थात लेखीवाल चेक जारी करने वाले व्यक्ति द्वारा उक्त अपराध को किए जाने के संबंध में अपनी गलती स्वीकार नहीं की गई है। मतलब कुछ परिवाद पत्र दायर किया गया था इस तारीख को, आरोपी अर्थात लेखीवाल ने उस परिवाद पत्र का जवाब दिया। जैसे सिविल केस में वाद पत्र और जवाब दावा होता है, वैसे ही चेक बाउंस केस में क्या है, परिवाद होता है और परिवाद का जवाब दिया जाता है। तो उस परिवाद पत्र का आरोपी ने जो जवाब दिया था, तो उस जवाब में उसने सारी बातों से इनकार कर दिया है और अपनी गलती नहीं मानी है कि उसी ने चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया, इन बातों को उसने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। थर्ड, यह कि ऐसी परिस्थिति में परिवादी आरोपी से मूल चेक की राशि 1,00,000 रुपए की 20% राशि 20,000 रुपए का अंतरिम प्रतिकर प्राप्त कर पाने का वैधानिक अधिकारी हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि धारा 143 का मैं यह बात स्पष्ट लिखी है कि 20% राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ऐसी परिस्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए परिवादी को आरोपी से 20% प्रतिकर की राशि दिलाए जाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। तो 20% राशि हमको दी जाए, इसीलिए आवेदन पत्र हम प्रस्तुत कर रहे हैं। केस तो अभी लंबा चलेगा, वैसे ही आजकल चेक बाउंस के केस 2-3 साल खींचे जाते हैं। यदि समन तामील नहीं हो पा रहा है तो स्थिति और खराब हो जाती है, 5-6 साल भी चल जाता है। मेरे पास एक ऐसा केस है, मेरा पक्षकार परेशान है, 5 साल से उसको समन तामील नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भगोड़ा हो गया, वो भाग गया। क्योंकि जैसे ही आप परिवाद दायर करते हैं आपको एड्रेस देना पड़ता है, तलवाना देते हैं आप। तलवाने का वीडियो ये रहा कि तलवाना क्या होता है, नोटिस कैसे निकलवाया जाता है किसी व्यक्ति के खिलाफ जब आप केस करते हैं। तो परिवाद दिया, तलवाना दिया, तलवाने के बाद कोर्ट ने समन जारी किया। सबसे पहले समन जारी किया जाता है, यदि समन मिल जाता है और आरोपी पेशी पर उपस्थित नहीं होता अगली पेशी पे, तो उसके विरुद्ध सेकंड स्टेप क्या होती है, जमानती वारंट जारी हो जाता है। मतलब कि पर पुलिस जाएगी, जमानत भरवा के वहीं के वहीं छोड़ देगी उसे और चमका देगी कि तेरे खिलाफ केस दायर हुआ है, अगली पेशी पे चला जाना। पुलिस की बात भी नहीं मानता भैया जमानत पर झूठने के बाद वहीं के वहीं थाने से। थर्ड स्टेप कोर्ट क्या करती है, गैर जमानती वारंट जारी करती है कि अब कोर्ट ही जमानत देगा इसे, उठा के ले आओ जहां कहीं भी हो। पुलिस जाती है उसे उठाने के लिए, पकड़ने के लिए, पता चला भाई साहब भाग गए वहां से। तो इसके बाद कोर्ट क्या करती है, उसका स्थायी वारंट जारी कर देती है। जब तक पकड़ाया नहीं जाता ये व्यक्ति, तब तक ये वारंट अस्तित्व में रहेगा, जहां कहीं भी हो, जमीन में घुसा हो, आसमान में छुपा हो, इसको उठा के लाओ। फिर ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति भागता ही रहता है यहाँ वहां। तो इसी प्रकार मेरे एक केस में स्थायी वारंट चल रहा है, 5 साल से स्थायी वारंट है, व्यक्ति का पता नहीं है और पैसे उधार ले लिए और एक चेक दे दिया और निकल लिए। तो ये वीडियो भी देख लीजिएगा आप, तलवाना क्या होता है, समन या नोटिस कैसे निकलवाया जाता है। और लास्ट में आती है प्रेयर। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र न्याय हित में स्वीकार करते हुए परिवादी को आरोपी से मूल चेक की राशि 1,00,000 रुपए की 20% राशि 20,000 रुपए का अंतरिम प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने के आदेश पारित करने की दया की जावे। लास्ट में आ गया स्थान, दिनांक जिस दिन आप आवेदन लगा रहे हैं, एडवोकेट के साइन और यहाँ पे परिवादी के साइन। तो इस प्रकार केस दायर करने के बाद जैसे ही जवाब आता है या चार्ज फ्रेम होता है केस में, आप चेक की राशि की 20% राशि इसमें ले सकते हैं। तो इस प्रकार 20% राशि प्राप्त करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया जाता है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
और जो दो वीडियोस आपको बीच में बताए थे उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डिमोले आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।